वेलकम टू फ्लाई भाई स्टडी। दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों जो है इस वीडियो में करने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस। और दोस्तों आपकी जो पिछली वीडियो है आपकी हिस्ट्री की आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वहाँ से अवश्य देख लें। तो साथियों आप जो है UPSI SSC GD की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए जो है प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। इसलिए प्रैक्टिस जो है अभी से ही शुरू कर दो सभी लोग मिलकर, ठीक। तो साथियों आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक आ गया है। देखो क्वेश्चन नंबर एक आ गया, पहले उसका दोस्तों एक थोड़ा दोस्तों बात यह है, जितने भी आप क्वेश्चन कीजिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने इतना क्वेश्चन राइट किए हैं, ठीक है। तो ठीक साथियों फिर चल रहे हैं आज के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर एक आ गया, बोला क्या है, दिशा निर्देश। क्या है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन करें, ठीक है साथियों। क्या है देखो, दिशा निर्देश दिए गए हैं, विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन कीजिए। देखो दोस्तों बी से एच, जब आप बी से एच तक जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, ई से एच तक जाएंगे, एफ जी एच अर्थात जो है प्लस तीन गए हैं, कितने गए हैं, प्लस तीन गए हैं, ठीक। इसी क्रम में साथियों फिर जो आपका है सी से एफ तक जाएंगे, सी से आप जब एफ तक जाएंगे तो देखो डी ई एफ, तो फ्रेंड इसमें भी जो आपका है प्लस तीन चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लस तीन चल रहा है। फिर आप जो हैं बी से कहाँ तक जाएंगे, एफ तक जाएंगे, तो जब बी से दोस्त सॉरी दोस्तों बी से जी तक जाओगे आप, बी से जब आप जी तक जाएंगे देखो यहाँ तक, ठीक, सी डी ई एफ जी प्लस फाइव चल रहा है, क्या चल रहा है, प्लस फाइव चल रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों जब डी से आप आई तक जाओगे देखो देखो ई एफ जी एच आई, क्या चल रहा है, प्लस फाइव चल रहा है। तो फ्रेंड जो आपका है दो दो से चल रही, एक में तो देखो सबसे पहले आपका ई और जो सी है इसमें जो है प्लस तीन की चल रही है, आपका जो बी और डी है जो दोस्तों इसमें चल रही है प्लस फाइव की से चल रही है। तो इसी क्रम में साथियों जो हम करेंगे यस का भी है, पहले प्लस तीन लेंगे, यस आपका होता है 19, 19 दोस्तों 19 में आप तीन को ऐड करेंगे तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा ना आपका, 22 आता है वी, ठीक। इसी क्रम में दोस्तों क्यों के लेंगे, क्यों का भी कितना लेंगे, तीन लेंगे, क्योंकि देखो पहले आपको जो है दो सीरीज में क्या क्या लिया है, प्लस तीन लिया है। तो फ्रेंड जो आपका क्यों होता है 17 पे होता है, क्यों देखो जब साथियों जो आपका क्यों होता है 17 पे कैसे होगा दोस्तों, जब ए बी सी डी गिनेंगे जो आपके 17वें नंबर पे क्यों आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यों जो होता है 17 पे होता है, ठीक। अब देखो इसमें से आपको जो ये तीन है तीन को ऐड करना है अर्थात जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आप पी उठाओगे, जब पी उठाओगे तो दोस्तों सॉरी आपका क्यों उठ गया, पी उठाओगे, क्या जब आप पी उठाएंगे तो फ्रेंड आप जो है पी में क्या करेंगे पाँच को ऐड करेंगे, देखो चूंकि जो हमारी तीसरी लेटर है इसमें पाँच को ऐड किया है, ठीक है। तो पी होता है 16, पी होता है 16, 16 में दोस्तों पाँच जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 चार 20 21 हो जाएगा ना, 21 आपका आता है यू आता है, यू आता है। तो इसी क्रम में दोस्तों आपका आर होगा, आर आपके होता है 18, 18 में पाँच जोड़ेंगे तो आपका को क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, आपका 23 क्या आता है डब्ल्यू आता है। तो फ्रेंड जो आपका आंसर होगा क्या होगा, वी टी यू डब्ल्यू होगा, वी टी यू डब्ल्यू था जो आपका विकल्प सी है, विकल्प सी आपका राइट होगा फ्रेंड, है ठीक। फिर इसी क्रम में साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पे, कौन से क्वेश्चन नंबर दो पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर दो आ गया है, देखो इसमें बोला क्या है, एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में और नितिन शीर्ष से जो है 90 और नीचे से जो है 38वें हैं, ठीक, कक्षा में कितने छात्र हैं, कक्षा में जो हैं कितने छात्र हैं। दोस्तों देखो बोला क्या है, क्वेश्चन ये है, एक कक्षा में नितिन शीर्ष से 90 और नीचे से जो है 38वें स्थान पर है तो कक्षा में कितने छात्र हैं। दोस्तों बोल रहा है टोटल छात्र है, अगर दोस्तों टोटल छात्र पूछ रहा है तो इसका एक फार्मूला होता है टोटल छात्र का, टी अर्थात जो होता है टी, ठीक, इसमें बोलते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। दोस्तों ये टोटल का फार्मूला होता है, अगर टोटल दिया है टोटल पूछ रहा है तो टोटल का फार्मूला ये है, अर्थात बोल रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, या फिर मान लो बोला है कि दाएं से 6 नंबर पे बाएं से 8वें नंबर बैठा है, ठीक, तो कुल कितने छात्र बैठे हैं, अगर ऐसे पूछता है तो फ्रेंड जो आपका ये आपका ये सूत्र है जो आपका ये फार्मूला है दोस्तों, इसी फार्मूला जो हो आपका आंसर आएगा, ठीक। तो फ्रेंड जो आपका देखो बोला है एक कक्षा में शीर्ष से, दोस्तों जो आपका शीर्ष होता है जो आपका ऊपरी भाग होता है उससे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलेंगे, अर्थात जो आपका शीर्ष होगा लेफ्ट बोलेंगे और जो आपका नीचे वाला भाग होगा उससे हम राइट बोलेंगे, ठीक है, आप इसे अपने दिमाग में दोस्तों बैठा लीजिएगा, ठीक। तो बोला क्या है, शीर्ष से 90, तो साथ ही यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक,
फिर प्लस है, प्लस लिख लो, फिर आपका जो है नीचे से देखो ये आपका जो है राइट, अर्थात जो है ये राइट हो जाएगा, 38 हमें क्या है 38 हो जाएगा, ठीक, ये आपका 38 हो गया। अब दोस्तों जो है देखो इसे माइनस से घटाना भी है, ठीक, इसमें से माइनस एक निकाल देंगे तो दोस्तों क्या आएगा आपका देखो। तो फ्रेंड अब जब इसमें से 9 में से एक घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर आपका 8 बचा, 38 प्लस 8 कितना हो जाएगा 40, 46 हो जाएगा टोटल आपका, कितना हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों आपका 46 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो कुल कितने छात्र हैं 46 छात्र हैं, कितने छात्र हैं 46 छात्र हैं साथियों, ठीक, आप समझ गए होंगे। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, ठीक, आपके जो हैं दाहिने से सॉरी शीर्ष से 90 हैं और नीचे से 38वें हैं, इन दोनों को ऐड करो और इसमें से आप एक घटा दो जो है इसका टोटल आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी क्रम में साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कौन से क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, किससे है ये मिसिंग नंबर था, सीरीज से है, सीरीज से क्वेश्चन है, देखो 12 से 21 गया है कैसे है? देखो पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए, किसका श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड जो 12 से 21 तक जाएगा कितने का गैप है, देखो 12 8 20 8 9, 9 का गैप है ना, तो 9 का गैप है, ठीक, 9 मैं सही से लिख दे रहा हूँ, देखो साथियों 9 का गैप है। फिर इसी क्रम में जो है 21 से 32 तक जाओगे आपका कितने का गैप है, 11 का गैप है, कितने का गैप है 11 का गैप है। फिर इसी क्रम में साथियों आप 32 से 42 जाओगे तो कितने का गैप है, 32 से 42 तक जाओगे 3 13 5, हाँ तो जो है 13 का गैप है साथियों। तो फ्रेंड जो आप यहाँ तक गए, अब जो है 45 से यहाँ आपको जाना है जो आपका आंसर मिलेगा। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे जो है 2 का गैप चला, देखो इसमें हम 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा, था जो है 2 2 का गैप चल रहा है। फिर साथियों देखो प्लस 2 जो 2 का, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो आपका ये 13 हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में हम यहाँ भी प्लस 2 को ऐड करेंगे, प्लस 2 को यहाँ भी ऐड करेंगे तो आपका जो ये 13 पार्ट है दोस्तों, 2 जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब फ्रेंड हम करने क्या वाले हैं, जो आपका 15 है ये 15 और 45 को ऐड करेंगे ना तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपका जो 45 है ये वाला इसको और फिर ये 15 को आप ऐड करोगे। देखो मैं ऐड करता हूँ, ये आपका 45 रहा, ठीक, और ये आपका 15 रहा, जब इससे आप ऐड करेंगे 5 5 10 हुआ और फिर ये 4 1 5 1 6 हुआ, 60 हुआ, जो आपका आंसर आएगा 60 आएगा, क्या आएगा 60, ठीक है साथियों। आप समझ गए होंगे जो इसमें है 2 2 का गैप चल रहा है, ठीक, फिर उसको ऐड करेंगे फिर आपका जो है राइट आंसर जो है आ जाएगा, आपका जो इसमें राइट आंसर है विकल्प बी है, ठीक। फिर इसी क्रम में चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक। तो फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन ये वाला है देखो करना कैसे आपको, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है अर्थात ये मान लो क्वेश्चन मार्क्स है कि स्थान पर आएगा, यहाँ पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। तो फ्रेंड आपका जो ये पहले आप इसे कीजिए फिर मैं बता रहा हूँ, पहले आप थोड़ा सोच लीजिए इसके कौन से लॉजिक चल रही है फिर मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो साथियों आपने सोच लिया होगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सभी जो संख्याएं हैं वर्ग दिखाई पड़ रही है, देखो ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है। तो फ्रेंड बाकी जो आपका नीचे वाला 14 है ये आपका किसी को वर्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक, बाकी जो आपको दिखाई पड़ ये भी वर्ग दिखाई पड़ रहा है, ये भी 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 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी पूछा है, ठीक फ्रेंड। देखो साथियों ये आपका 9 का वर्ग है, कितने का आपका है जो ये, एक मिनट थोड़ा सा वेट, हाँ सही है। तो फ्रेंड जो आपका ये है ये कितने का वर्ग है, आपका जो 81 है देखो ये 9 का वर्ग है, ठीक, 9 लिख दिया है। इसी क्रम में दोस्तों आपका जो ये 25 है ये 5 का वर्ग है, ठीक, ये 5 का लिख दिया, तो इसको फिर ऐड कर लिया, जो ये संख्याएं हैं दोनों को ऐड कर लिया, देखो 9 5 14 जो आपका है ये तीसरी संख्या आपको मिल गई, जब दोस्तों आपने इसे ऐड किया तो आपका 14 मिला है ना, तो आपका देखो ये 14 ऐड मिल गया। तो ठीक इसी क्रम में इसी दोस्तों ऐसे इसको भी करेंगे, 64 का और 100 का भी करेंगे तो आपका जो है 18 मिल जाएगा। तो 64 का फ्रेंड जो आपका होता है क्या होता है, 64 का 64 कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख लो, ठीक, तो 8 साइड लिख लेते हैं, ये 8 लिख दिया हमने। और फिर आपका 100 है, 100 का दोस्तों वर्ग कितना होता है, 10 होता है, ठीक, इसका जो वर्गमूल होता है दोस्तों, वर्गमूल नहीं वर्ग नहीं, इसका वर्गमूल होता है ये 10 होता है, जब इसे ऐड करेंगे तो आपका 18 हो जाएगा ना, देखो जो आपका 18 है यहाँ ये आपका 18 प्राप्त हो गया, जो आपका है ये 18 यहाँ 18 प्राप्त हो गया, ठीक।
तो साथियों जो इसी क्रम में हम क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल देखेंगे क्या होगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक, अब बड़े दोस्तों देखो हमको 10 पता करना है, यहाँ 10 कैसे लाएँ, यहाँ 10 जो है हम कैसे लाएँ, यहाँ पर जो आपका 10 है कैसे लाएँ, अर्थात जो है इस संख्या का जो हम क्या वर्ग रखें, जो फिर जो उसका वर्गमूल ले, वर्गमूल लेने के बाद जो आपका ऐड करें वो आपका जो है 10 आ जाए। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ 16 रख दें, अगर यहाँ हम 16 रख दें इस स्थान पर 16, देखो जो आपका ये है, मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा साफ कर दूँ तब बताऊँ। हाँ देखो साथी, ये तो आपका 6 का वर्ग हुआ, और दोस्तों अगर मैं यहाँ 16 रख दूँ, जो आपका क्वेश्चन मार्क्स से, अगर मैं यहाँ 16 रख दूँ, यहाँ पर मैं 16 रख दूँ, और फिर इसका जो वर्गमूल होगा 4 होगा, 4 होगा ना, और फिर जब इसे ऐड करेंगे 6 और 4 को 10 हो जाएगा, अर्थात जो हो जाएगा, देखो दोस्तों साथियों यहाँ आपका 10 प्राप्त हो गया, यहाँ आपका 10 प्राप्त हो गया। बट रखे हैं क्या है, हम यहाँ 16 रखे हैं, जो आपका क्वेश्चन मार्क्स है दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन मार्क्स है क्या रखे हैं, वहाँ 16 रखे हैं, जो आपका क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ पर रखे हैं 16, तब जाके प्राप्त हुआ है 10 आपका। ये आपका 6 का ही हो जाएगा वर्गमूल, और ये आपका 4 का हो जाएगा, जब इसे ऐड करेंगे तो आपका जो है 10 ये प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो आपका विकल्प जो है सी राइट होगा, विकल्प जो आपका है सी राइट होगा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों। तो फ्रेंड आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोला का गया है सहार, क्या है सहार महाद्वीप देश। ठीक, तो फ्रेंड जो है आप पहले देख, मान लो ये देश है आपका, ठीक, देश में दोस्तों होता है महाद्वीप, ठीक, और महाद्वीप में होता है सहार, अर्थात जो है इसी में दोस्तों आपका होता है इसी में। ठीक, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ठीक हाँ, तो फिर हम लोग कहाँ थे, मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ क्लीन करके। देखो ये आपका रहा क्या रहा, देश रहा, टोटल पूरा आपका देश रहा। तो दोस्तों जो देश रहा, और फिर देश के बाद आपका मान लो इसमें महाद्वीप बसा हुआ है कोई, और महाद्वीप में कोई शहर है, महाद्वीप में कोई शहर है, तो फ्रेंड जो है इसी क्रम में चले जा रहे हैं सब, जो है एक के अंदर एक सब घुसे पड़े हुए हैं, तो कौन सा विकल्प राइट होगा आपका, जो है विकल्प सी राइट होगा, विकल्प आपका जो है सी राइट होगा। ठीक है, फिर चलते हैं इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है दिए गए आंकड़ों में कितने त्रिकोण मौजूद हैं, आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ गिन लीजिए ये वाला पार्ट, ठीक, इसमें जो है ये तीन त्रिभुज इसी में हो गए, एक दो तीन ये हो गए, फिर आपका दोस्तों तीन ये ऊपर रहे, छः हुआ, ठीक, छः ऊपर है, बाकी एक साइड वाला ये 7 और ये साइड वाला 8, कितने त्रिभुज हुए दोस्तों आपको जो है 8 त्रिभुज हुए, कितने हुए 8 हुए, जो आपका विकल्प दोस्तों डी है राइट होगा। देखो दोस्तों तीन तो ये हो गए आपका, बता रहा हूँ तीन ये हो गए, क्योंकि देखो यार इसे करेंगे, मैं साफ कर देता हूँ यार, छोटा इतना त्रिभुज है मैं पूरा बता नहीं पाया हूँ, मैं आपको देखो पूरा हेल्प करता हूँ यहाँ से। देखो फ्रेंड जो आपके ऐसे त्रिभुज होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे, वो आपके कितने त्रिभुज होते हैं, तीन होते हैं। कैसे होते हैं तीन, एक तो आपका ये रहा, ठीक, एक आपका ये रहा, एक आपका ये पूरा वाला रहा, ठीक, ये आपका एक पूरा वाला, अगर आपको इसी का फिगर दिखाई पड़े तो जान जाओ उसमें जो है कितने त्रिभुज हैं, तीन त्रिभुज हैं। ठीक, तो इसी के दोस्तों आप पहचान गए होंगे। देखो फिर इसी में आपका जो है एक गोला वाला पार्ट है, देखो ये यहाँ पर, तो दोस्तों ऐसे इसमें भी है था, तीन यहाँ भी है, छः हो गया, और इसी क्रम दोस्तों आपका एक यहाँ भी देखो दिखाई पड़ रहा होगा ये वाला 7, इसी क्रम दोस्तों आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा 8, तो कितने त्रिभुज हो गए आपके, 8 त्रिभुज हो गए। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों इस सीरीज के। तो हो गया, तो फ्रेंड आ गए हमने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, क्या क्या पता करना है दोस्तों, देखो आपको कोड दिया गया है, ये सब कोड दिए गए हैं, यदि ये सब कोड दिए गए हैं आपको, इसका कोड जो है स्टार कोड ये दिया है, और एट द रेट कोड 2 दिया है दोस्तों, जो आपका ये है एक ऐसे चिन्ह होता है, इसमें विस्मय बोधक कहते हैं ना, इसमें विस्मय बोधक कहते हैं शायद, तो जो इसका जो कोड दिया 1 दिया है, ठीक, फिर इसका जो कोड दिया है 3 दिया है, ठीक, फिर आपका जो है विस्मय बोधक इसमें भी है, देखो इसका चिन्ह दिया है 1 दिया है कोड, और फिर आपका जो ऐसे होता है एरो या टोपी बोलते हैं, इसका जो कोड दिया है 8 दिया है, इसका जो कोड दिया है हैज का 5 दिया है। ठीक, तो फ्रेंड जो है सभी को कोड दिए गए हैं, तो आपको बस यही करना है, जो आपका ये टोपी है देखो टोपी कोड का दिया है, आपको यही पहचानना है, देखो इसमें जो आपका
कोडित किया जाता है, देखो बोला कोडित किया जाता है, तो जो आपका ये फिगर दिया गया है इसी में से दोस्तों सबको कोड को जो है लिखना है। तो सबसे पहले देखो आपका टोपी है, देखो सबसे पहले जो आपका है टोपी, इसमें है क्या है टोपी है, एक बार थोड़ा सा साफ कर दूँ। हाँ देखो क्या है टोपी है, तो फ्रेंड टोपी का कोड क्या दिया है, देखो टोपी कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको, देखो ये टोपी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, टोपी कितना दिया है, टोपी का कितना दिया है, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो आपका जो है टोपी, टोपी टोपी दिया है 8 दिया है, देखो यहाँ पर आपका टोपी ये रहा, ये आपका 8 दिया है, ठीक है ना। तो फ्रेंड जो है आपका 8 हो जाएगा पहले, फिर आपका देखो विस्मय बोधिक है, ये आपका जो है विस्मय बोधिक है, तो इसका चिन्ह क्या दिया है, देखो यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ रहा, इसका कोड जो 1 दिया है, 8 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो साथियों आप स्टार दिया है इसमें, देखो स्टार पूछा, स्टार का कोड, तो स्टार कोड क्या दिया है, देखो ये स्टार कोड दोस्तों 9 दिया है यहाँ पर, देखो ये 9 है, ठीक, 8 9 8 1 9। तो फ्रेंड जो आपका है, अब देखो हैज का दिया है, हैज पूछ रहा है, हैज के कोड देखो कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ जो होगा 5 होगा, ठीक है। तो 8 1 9 5 आपका जो है विकल्प डी राइट है, आपका जो है विकल्प है डी राइट, जो आपका 8 1 9 5 जो है यही क्वेश्चन, ओ सॉरी दोस्तों यही विकल्प आपका सही है, ठीक। फिर इसी क्रम में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या बोला गया है, चार समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक है और एक अलग है, विषम अक्षर समूह को चयन करें। तो आपको साथियों क्या पहचानना है, जो विषम है आपको विषम ही पहचानना है, ठीक, विषम पहचानना है। तो फ्रेंड आप देखो, आप जब ओ से आर तक जाओगे, कहाँ से, इसमें दोस्तों है जब आप ओ से आर तक जाओगे, पी क्यू आर कितना का है, +3 चल रहा है, क्या है, +3 का गैप है। फिर आप जो है आर से यू तक जाओगे, आर से यू तक जाओगे, आर से देखो क्यू आर हुआ HTU, इसमें +3 चल रहा है, इसमें +3 है। अब यू से एक्स तक जाओगे, ठीक, यू से आप एक्स तक जाओगे, VWX, इसमें जो है दोस्तों +3 का चल रहा है, इसमें भी जो है आपका +3 का जो है सीरीज चल रही है, सभी में जो है ++3 की चल रही है, कौन सा विकल्प है आपका, मैंने एक ए चेक किया। अब इसी क्रम दोस्तों हम बी चेक करेंगे, देखो जे से एम तक जाएंगे, जब जे से एम तक जाएंगे, KLM अर्थात जो है इसमें +3 चल रहा है, ठीक। अब फिर जाएंगे एम से पी, NOP, इसमें भी +3 चल रहा है। अब जाएंगे हम पी से एस तक, पी से एस, क्यू आर एस, इसमें भी +3 चल रहा है। तो आपका जो है ए और बी जो दोस्तों विकल्प तो मैच खा रहे हैं। अब हम सी चेक करते हैं, देखो सी को यहाँ चेक कर लेते हैं, पी से एस, पी से अभी एस तक जाओगे, क्यू आर एस, +3 चल रहा है, ठीक। और फिर यस से वी तक जाएंगे, टी यू वी, इससे भी +3 चल रहा है। अब वी से एस तक जाएंगे, यू वी डब्ल्यू एक्स, जो है 2 चल रहा है, कितने चल रहा है, 2। तो फ्रेंड हमने देखा क्या, आपका विकल्प ए में +3 +3 +3 चल रहा है, विकल्प बी में +3 +3 +3 चल रहा है, बाकी अब विकल्प जो सी है +3 +3 लेकिन +2 चल रहा है। तो आपका जो है विकल्प सी भिन्न होगा, आपकी जो विकल्प दोस्तों डी होगा ना, इसमें भी जो है +3 +3 +3 +3 का सीरीज चल रही है, बाकी जो आपका विकल्प सी है इसमें +3 +3 और +2 चल रही है, आपका जो विकल्प राइट होगा सी से होगा। आपका जो सी है ये भिन्न है साथियों, जो आपका सी विकल्प है ये सबसे भिन्न है, आपका जो विकल्प सी राइट होगा, विकल्प सी आपका राइट होने वाला है। फिर इसी क्रम में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। तो फ्रेंड आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक, बोला क्या है, सिलेक्ट सिलेक्ट द नंबर दैट रिप्लेस द क्वेश्चन नंबर, अर्थात क्वेश्चन बॉक्स पे इन द फॉलोइंग सीरीज, आपको निम्नलिखित श्रृंखला का प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या को चयन करना है। तो फ्रेंड आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों को पहले आप देख लीजिए, फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो आप 45 से 47 तक जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, नॉर्मल दोस्तों हमने 2 को ऐड करेंगे तब 47 तक जाएंगे, 47 से 53 तक जाओगे कितने का ऐड करोगे, 3 50 6 ऐड करोगे, 6 को, ठीक। फिर 53 से आप 65 तक जाएंगे तो कितने को ऐड करेंगे, 12 को ऐड करेंगे, ठीक। फिर 65 से आप 85 तक जाओगे कितने को ऐड करोगे, 5 में 5 0 हुआ, फिर 20, कितने का, 20। तो फ्रेंड आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, देखो इसमें है 4 का गैप, अरे नौटंकी रुक जाओ, पेन हैंग कर रहा है थोड़ा सा भाई, वो फिर से लिखना पड़ेगा साथियों,
थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं फिगर को छोटा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ क्वेश्चन छोटा हो गया। चलो फ्रेंड, इसमें करना क्या था मैं पूरा मिटा देता हूँ, फिर से बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो आप जो हैं 45 से 47 तक जाएंगे तो +2 का गैप है, कितने का है, +2 का गैप है, ठीक। तो इसी ठीक, फिर 47 से 53 तक जाएंगे, अरे यार काहे के लिए, 45 से 47 तक जाएंगे तो आपका 2 का गैप हो कर रहा है भाई, फिर से लिखते हैं। चलो 45 से 47 तक जाएंगे, कितने गैप है फ्रेंड, 2 का गैप है, चल गया। 47 से 53 तक जाओगे, कितने गैप है फ्रेंड, 3 3 50 हुआ, 6 का गैप है ना, कितने का है, 6 का है। फिर जो है 53 से आप 65 तक जाओगे, कितने का गैप है, 7 50 12 का गैप है, कितने का गैप है, 12 का गैप है। और इसी क्रम में 65 से 85 तक जाओगे, कितने गैप है, 20 का गैप है, कितने गैप है, 20 का गैप है। तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे सब गैप ही चल रहा है, आपको जो है फर्स्ट गैप से कुछ पता ना चला यार कितने का गैप चल रहा है, ठीक। और इसी क्रम दोस्तों हम जो है इनका आप गैप देखेंगे, ठीक है, कितना होगा, देखो 4 का गैप किया है, कितने किया है, 4 का गैप किया है, इसने कितने गैप किया है, 6 का गैप किया है, इसने कितने किया है, 8 का किया है। तो फ्रेंड जो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, देखो इसमें 4 के गैप, इसमें 6 का, इसमें 8 का है, अर्थात जो है 2 2 की गैप कर रहा है दोस्तों। जो आपका यहाँ होने वाला है 10 का गैप होगा, 10 का होगा। तो दोस्तों जो आपका ये 10 हुआ, पहले आप 20 में ऐड करेंगे, जो 10 को आप 20 में ऐड करेंगे, देखो दोस्तों आप 10 सॉरी जो आपका 20 है 10 को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, ठीक, जब 10 को ऐड करेंगे। और फिर जो दोस्तों आपका 30 आया है, 30 को आप 85 में ऐड करोगे तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड इसी क्रम में जो है 85 को ऐड करेंगे क्या, 30 को, तो देखो जब इसे आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और 8 5 13, अर्थात जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये 5 का 5 हुआ, 8 3 11 था, जो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। आपका जो विकल्प बी है यही राइट है, आपका जो विकल्प भी दोस्तों राइट है, 115 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। इसका जो है आपको डबल गैप निकालना है, सिंगल गैप से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, सिंगल गैप से नहीं काम चल रहा है, तो आप डबल गैप निकालो, डबल गैप निकालने के बाद उसे ऐड कर लो और जो आपका है उसी प्रकार से आंसर आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। फिर चलते हैं हम अगले एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, देखो बोला क्या गया है, ये आपका एक पासा दिया गया है, एक ही पासे में 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 चेहरे को 1 से 6 तक गिना गया है, उस संख्या को चयन करें जो 6 से दिखने वाला विपरीत चेहरे पर होगा। तो फ्रेंड देख रहे होंगे अगर आपको 3 फिगर दिए होंगे हैं, अगर आपके 3 फिगर दिए गए होंगे, अगर उसमें से कोई सामान मिल रहा होगा, मैच खा रहा होगा, और फिर आपको देखो देखो साथियों जो आपका ये पोर्शन 2 वाला और ये आपका 1 वाला, ये आपका 1 वाला, ये आपका 2 वाला, ये जो है एक दूसरे से मिल रहा है, अपोजिट है, अर्थात जो मिल रहे हैं, ठीक, मिल रहे हैं, क्या है, एक कॉमन पोर्शन है। तो फ्रेंड जो इसका ये हो जाएगा, जो इसका विपरीत हो जाएगा दिखने वाला, 3 का उल्टा 6 हो जाएगा, 6 का उल्टा 3 हो जाएगा, पूछा किसका है, 6 के दिखने वाला विपरीत चेहरे पर होगा। तो दोस्तों जो 6 का उल्टा पूछ रहा है, 6 के विपरीत पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर होगा डी होगा, कौन सा होगा, डी होगा साथियों, ठीक। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे फ्रेंड, ठीक। अगर फ्रेंड जो आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इसको दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो जो है इसका मैं आंसर दोस्तों रिप्लाई अवश्य दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पे बदल सकने वाले अक्षर का चयन करें, ठीक है। तो आपको सॉरी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जो है ए से ई तक, जब आप ए से ई तक जाएंगे, अर्थात जो है वावल चल रहा है, क्या स्वर चल रहा है, ए से ई हुआ, ई से आई हुआ, आई से आपका क्या होगा, देखो ए ई आई हुआ, फिर ओ हुआ, फिर आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। देखो यहाँ जो आपका आने वाला है कि आपके क्वेश्चन मार्क्स पे यहाँ जो आएगा यू आएगा, क्योंकि देखो दोस्तों स्वर चल रहा है इसमें, एक एक का गैप किया है, एक एक का गैप किया है। फ्रेंड्स आप देख लो, फिर से एक बार देख लो, देखो ए से ई, ए से ई, ई से आई, आई से ओ, ओ से यू, ठीक है, क्या चल रहा है, स्वर चल रहा है।
तो आपका क्या आएगा, यहाँ यू आएगा। ठीक फ्रेंड, तो आपका विकल्प बी है, ये राइट होगा। फिर इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड, जो आपके सामने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बोला का गया है, देखो बोला ये है कि दिए गए आंकड़े के सही दर्पण छवि को चयन करें, एक ऊर्ध्वाधर आंकड़े दर्पण दाईं ओर रखा गया है। तो फ्रेंड जो है देखो, एक दर्पण है रखा गया है, साफ हो जाए, हाँ यहाँ आपका एक दर्पण रखा गया है, इसका पूछा है प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड जो है दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं, दायां का बायां, बायां का दायां बनता है। जो आपका ये वाला फिगर होता है, ये चलाएगा इस तरफ, चलाएगा कहाँ, इस तरफ चलाएगा। देखो किसमें है इस तरफ फिगर, देखो साथियों, खाली इसमें इस तरफ है, ठीक है, और इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी आपका जो है ये नहीं है, ये आपका नहीं है। ठीक, तो आपका जो आंसर सही होने वाला है, या तो ए हो या तो ए सी हो या तो डी होगा। ठीक, तो फ्रेंड आप देख रहे होंगे, जो आप गोला वाला पोर्शन है, जो आपका एकदम ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, ये आपका इस तरफ चलाएगा, कहाँ इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, कहाँ इस तरफ आएगा। ठीक, तो फ्रेंड खाली जो आपका विकल्प है, देखो इसमें भी आया है, इसमें भी, इसका तो पता नहीं, इसमें नहीं आया है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा, इसमें भी आया है, तो भी दोस्तों अब जो है आपका ऑप्शन ए और डी होने की संभावना है। आप देखो आप क्या करते हैं, जो आपका ये वाला पोर्शन एरो वाला जो तीर वाला फिगर है दोस्तों, ये इस तरफ चलाएगा, कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा। तो फ्रेंड देख रहे होंगे किस में आया है, इसमें भी आया है, देखो जो आपका ये चित्र था इसमें आ गया है, जो आपका चित्र है इसमें भी ये आ गया। ठीक, और जो आपका ये वाला चित्र है ये इस तरफ आ गया, ये भी सही है। बट दोस्तों जो आपका नीचे वाला तीर है, देखो जो आपका इसे तीर है ना, ये वाले में सेम दिखाई पड़ रहा है, तो आपका ये नहीं होगा, जो है इसको ऐसे दिखना चाहिए, ऐसे। ठीक, तो साथियों देखो खाली आपका विकल्प ए में जो है ऐसे दिख रहा है, ये वाला तीर जो नीचे वाला है देखो सही दिख रहा है। ठीक, तो आपका राइट आंसर होने वाला है विकल्प ए, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एंड अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन है, अभी दो क्वेश्चन है आपके सामने। तो फ्रेंड देखो इस क्वेश्चन आ गया, इसको करना क्या है आपको, देखो चार संख्या जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से तीन किसी तरह समान है और एक अलग है, तो उस जोड़ी संख्या को चयन कीजिए शॉर्ट से। ठीक, देखो फ्रेंड जो है ये क्या है, चार विकल्प दिए गए हैं सबको, आप इसमें पहचानिए कौन सा विषम है। ठीक है, अगर फ्रेंड हम चार और दो को ऐड करें, छः हुआ, और फिर छः और नौ को ऐड करें, नौ छः 15 हुआ, देखो 15 आ गया। इसी क्रम में दोस्तों अगर हम सात और चार जोड़ें 11 हुआ, 11 और 5 16 हुआ, 16 छः 22 हुआ, देखो 22 मिल गया आपका। ठीक, इसी क्रम में दोस्तों 5 एक 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 एक 9 हुआ, बट क्या है ये आपका 12 है, तो आपका जो है विकल्प ये राइट है। ठीक है, विषम पूछा है। इसी क्रम में दोस्तों आप ये चेक कर लो, डी वाला 8 एक 9 हुआ, 9 एक 10 हुआ, देखो सबको जोड़ रहे हैं दोस्तों, सब जो है सेम सेम आ रहे हैं। ठीक है, 10 10 आ रहा है, इसमें भी